हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम डेलॉयट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। एज वी नो दैट डेलॉयट एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, बिग फोर कंपनी है, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन करने वाला हूं। एज अ फ्रेशर अगर आप डेलॉयट को ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन सी चीजें पता होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट से एंड पॉइंट तक मैं एक एक चीज डिस्कस करूंगा कि आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, डेलॉयट का वर्क लाइफ बैलेंस क्या है, प्रोजेक्ट एलोकेशन क्या होता है, डेलॉयट एम्प्लॉय फ्रेंडली है या नहीं है, काम कितना करना होता है, वो सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। उससे पहले मैं डेलॉयट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि अगर आपको डेलॉयट के इंटरव्यू प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि डेलॉयट डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे हायर करती है, तो आई एम नॉट टेकिंग एनी पर्टिकुलर पोजीशन हियर। मैं ओवरऑल डेलॉयट का डिस्कशन करने वाला हूँ, बट पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए अगर आपको इंटरव्यू प्रोसेस चाहिए कि एसोसिएट एनालिस्ट के लिए आपका क्या प्रोसेस होता है, एनालिस्ट के लिए क्या होता है, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट के लिए आपका क्या प्रोसेस होता है, कितने नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं इंटरव्यू के, तो आप चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट है प्लेसमेंट प्रिपरेशन, उसमें जाके आप ऑनलाइन टेस्ट को देख सकते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस को देख सकते हैं, फुल रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ डेलॉयट आप वो सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा डेलॉयट के इंटरव्यू प्रोसेस का। ओके गाइस, तो होगी हमारी इंटरव्यू प्रोसेस की बात। अब हम बात करते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन होगा एंड एज अ फ्रेशर आप ज्वाइन कर रहे हैं डेलॉयट, राइट, तो स्टार्टिंग में आपका क्या होता है, स्टार्टिंग में हम बात करते हैं ट्रेनिंग से। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी सबसे पहले होती है ट्रेनिंग। अब गाइस, ट्रेनिंग किस डोमेन में होती है, ट्रेनिंग बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक होती है। फिर डेलॉयट काफी सारे डोमेन्स पे, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जिसमें आपकी एसीपी पे करती है, सीबीओ, टेस्टिंग, फंक्शनल, काफी सारे डिफरेंट डोमेन्स है, राइट, अकॉर्डिंग टू योर पोजिशन, जिस पोजिशन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी आपकी जॉब टाइटल के अकॉर्डिंग, राइट। तो ट्रेनिंग के अगर टाइम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, टाइम पीरियड की बात करें, ट्रेनिंग पीरियड जो आपका होता है 3 weeks to 1 month, तो गाइस ट्रेनिंग आपकी 3 weeks या 1 month के अंडर में कंप्लीट हो जाती है। एंड ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, ट्रेनिंग के बाद आपको डायरेक्टली प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाता है क्या, या फिर बेंच पीरियड होता है। अब बेंच पीरियड क्या है गाइस, तो बेंच पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के बाद कभी क्या होता है डेलॉयट में बेंच पीरियड पर रख देते हैं एम्प्लॉइज को। बेंच पीरियड में क्या होता है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं रहता है एंड आपको कोई भी वर्क करने को नहीं मिलता है, राइट, आफ्टर कंप्लीशन ड्यू ट्रेनिंग। अगर आप बेंच पीरियड पे आते हैं तब उस टाइम पे आप फ्री रहते हैं, आपको इतना काम नहीं होगा, राइट। उसके बाद होता है प्रोजेक्ट एलोकेशन। तो गाइस, प्रोजेक्ट एलोकेशन क्या होता है, कौन सा प्रोजेक्ट डेलॉयट प्रोवाइड करती है एंड आपकी चॉइस से होता है या नहीं, तो गाइस डेलॉयट में जो प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है वो रैंडमली होता है, कोई चॉइस नहीं रहती है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा कि आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चाहिए कि हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करना है या फिर हमें इस टेक्नोलॉजी पे वर्क करना है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं होता है, रैंडमली आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है। अब कौन सी टेक्नोलॉजी पे डेलॉयट वर्क करते हैं, डेलॉयट मेजरली जावा, एसएपी एंड टेस्टिंग, काफी सारी टेक्नोलॉजीज है जिसपे डेलॉयट वर्क करती है, तो उसमें से आपको भी कोई भी एक सेपरेट टेक्नोलॉजी मिल सकती है प्रोजेक्ट एलोकेशन के टाइम जिस पे आप वर्क करेंगे। एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन से पहले आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ट्रेनिंग पीरियड कितना होता है, ट्रेनिंग किस डोमेन में दी जाती है, उसी डोमेन में आपको प्रोजेक्ट एलोकेशन होता है आपका, राइट। एंड गाइस, अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे क्या होता है, क्या प्रेशर ज्यादा रहता है, डायरेक्टली आपको बिल्कुल सीरियसली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है या फिर नहीं लेनी पड़ती है। ओके, तो गाइस डेलॉयट काफी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, आपको ट्रेनिंग के टाइम पे काफी फन होगा, लाइक आपको इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है ट्रेनिंग के टाइम पे। ट्रेनिंग के टाइम पे आपकी ट्रेनिंग होती है, असेसमेंट्स होते हैं जिसमें आप काफी एंजॉय करेंगे एंड काफी लर्निंग वहां से मिलती है। एंड मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग के टाइम पे काफी सीरियसली ट्रेनिंग को मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, काफी सीरियसली वहां पे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कि वो आपको प्रोजेक्ट में काफी हेल्पफुल होने वाला है, राइट, क्योंकि प्रोजेक्ट आपको उसी डोमेन से रिलेटेड मिलता है एंड जो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, तो आपको वहां पे सीरियसली काफी सारी चीजें वहां पे आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे अच्छे से, अगर आप ट्रेनिंग को फोकस करके अच्छे से ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, राइट, तो वहां पे आपको प्रोजेक्ट में काफी हेल्प होने वाली है, क्योंकि आपको जो असेसमेंट मिलते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें आपसे ये प्रोजेक्ट में काफी सारी हेल्प होती है, वो प्रोजेक्ट उसी से रिलेटेड मिलने वाला होता है, राइट गाइस। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर बात कर रहे थे कि डेलॉयट काफी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, यस काफी एम्प्लॉय फ्रेंडली है, आप काफी फन करेंगे ट्रेनिंग पीरियड पे, ऐसा नहीं है कि आपको इतना प्रेशर दिया जाएगा कि आपको इतना टाइम है, फिक्स टाइम है, इसमें असेसमेंट कंप्लीट करना है, फिर इतने असेसमेंट, इतना ज्यादा कुछ वर्क लोड नहीं रहता है ट्रेनिंग के टाइम पे, तो वर्क बिल्कुल भी नहीं रहता है, इतना भी आपको ज्यादा पढ़ने को भी कुछ नहीं रहता है,
अब हम बात करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स, क्योंकि हम यहाँ पे दो पॉइंट्स कवर कर चुके हैं, ट्रेनिंग एंड प्रोजेक्ट एलोकेशन। प्रोजेक्ट एलोकेशन की हम डिस्कशन कर चुके हैं आपको किस तरीके से प्रोजेक्ट एलोकेट होता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क बेनिफिट एंड एम्प्लॉय बेनिफिट। राइट, तो एम्प्लॉय बेनिफिट में डेलॉयट सबसे अच्छी कंपनी है, क्योंकि डेलॉयट की जो पॉलिसीज हैं एम्प्लॉय बेनिफिट की वो बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। राइट, तो डेलॉयट स्टार्टिंग में जो प्रोवाइड करती है वो है ज्वाइनिंग बोनस, जो कि डिपेंड करता है आपके पैकेज पे, आपकी पोजीशन पे, आपने जिस पोजीशन पे अप्लाई किया होगा आपका पैकेज भी डिफरेंट होगा, तो उस पैकेज के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा सबसे पहला तो। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं सेकेंड बेनिफिट, जो कि काफी रेयर केस में ही कंपनीज प्रोवाइड करती है, जो मैंने नहीं देखा है, डेलॉयट ही प्रोवाइड करती है, जो कि डेलॉयट की एंड्रॉयड फोन की पॉलिसी। तो डेलॉयट आपको एंड्रॉयड फोन प्रोवाइड करती है, एंड्रॉयड फोन। राइट, एंड गाइस मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि डेलॉयट के एम्प्लॉय बेनिफिट्स काफी सारे हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए जिसमें मैं एम्प्लॉय बेनिफिट्स के बारे में ही डिस्कस करूंगा कि आपके कौन कौन से एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। बट यहाँ पे मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि आपका ज्वाइनिंग बोनस हो गया, एंड्रॉयड हो गया, एंड वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए डेलॉयट आपको पे करती है, जिससे आप अपना वर्क फ्रॉम होम सेटअप कर सकते हैं। राइट, तो अभी तो सब कुछ वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है, वर्चुअल मोड में चल रहा है आपका वर्क भी, तो अभी डेलॉयट वर्क फ्रॉम होम के लिए, वर्क फ्रॉम होम सेटअप के लिए पे भी करती है, एंड ऑल्सो आपका हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर फैसिलिटीज, और भी काफी सारे वर्क एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं जो डेलॉयट प्रोवाइड करती है। राइट गाइस, अब हम बात करते हैं इसकी वर्क लाइफ बैलेंस का, डेलॉयट का जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसा है। तो गाइस एज कम्पेयर टू अदर कंपनी डेलॉयट का वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काफी वर्क होता है, लाइक 12 आवर्स आपको एटलीस्ट वर्क करना ही होता है, एंड आपको वीकेंड्स पे भी वर्क करना हो सकता है, क्योंकि डेलॉयट में काफी वर्क होता है। एंड इसका वर्क लाइफ बैलेंस अगर हम बात करें तो थोड़ा सा कंपेयर करें अगर अदर कंपनीज से, थोड़ा सा ठीक नहीं है, क्योंकि काफी प्रेशर हो जाता है वर्क के टाइम पे, जब आपको प्रोजेक्ट एलोकेट हो जाएगा एंड आप स्टार्ट कर देते हैं वर्क, तो काफी प्रेशर हो जाता है, इवन वीकेंड्स पे भी कभी कभी आपको वर्क करना होता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में इतनी कहना था कि वर्क लाइफ बैलेंस ठीक नहीं है, बाकी डेलॉयट जो बेनिफिट्स हैं वो किसी भी कंपनी के इतने नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि कंपनीज के होते ही नहीं है, बट डेलॉयट की काफी है बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स के लिए एक सेपरेट वीडियो बननी चाहिए, उसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। राइट, तो गाइस इस वीडियो में मैं सब कुछ कवर कर चुका हूँ, ट्रेनिंग से लेकर आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन, वर्क लाइफ बैलेंस, आपको क्या काम होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम कर सकते हैं, आपकी ट्रेनिंग कौन सी डोमेन में हो सकती है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में हम इसी तरीके से कंपनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे, कंपनी के वर्क लाइफ बैलेंस, आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन एंड कंपनीज रिव्यू, कंपनीज रिव्यूज आपको देते रहेंगे। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।